हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4.3 का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग राइडल। कुछ राइडल दी गई है और उसको सॉल्व करना है। पहले तो इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो कहना क्या चाह रहा है भाई, देख लेते हैं, राइडल पढ़ लेते हैं। मीन्स एक तरह की पहली, आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी, मेरे को पहचानो, टेक मी 7 times ओवर, मुझे 7 times कर दो एंड एड आ 50 और उसमें मुझे 50 ऐड कर दो टू रीच आ ट्रिपल सेंचुरी। मैं ट्रिपल सेंचुरी पे पहुंच जाता हूँ, यू स्टिल नीड 40, ट्रिपल सेंचुरी में मेरे को 40 की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। देखो कहना क्या चाह रहा है, ज्यादा मत समझो इसमें, लेट कर दो, लेट द नंबर इज टू एक्स, हमने तो एक्स पहचान लिया, आइडेंटिटी एक्स होगी उसकी। आइडेंटिटी कैसे दी है, टेक मी 7 times, मेरे को 7 times कर दो, 7 times कर दो, ठीक है कर दिया, एंड एड ऑफ 50 कर दो, लो कर दिया, और इज गोज टू रीच आ ट्रिपल सेंचुरी, और मुझे पहुंचने में ट्रिपल सेंचुरी में यू स्टिल नीड 40, और 40 की जरूरत है, मींस ट्रिपल सेंचुरी में 40 कम है, तो कितना हो गया ट्रिपल सेंचुरी 360। इस टाइप से ये राइडल थी। तो हमने नंबर निकालना है, 7x इज गोज टू 360 माइनस 50, तो 7x इज गोज टू कितना हो गया, 50 माइनस करेंगे, 50 जब माइनस होएगा तो हमारा कितना आएगा, 31, 310। देख लेते हैं क्वेश्चन ये था कि नहीं था, क्वेश्चन तो देखते हैं, 40 की नीड, ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने में 40 की नीड है, 40 की नीड है, तो यही आना चाहिए, 40 की नीड, 40 की नीड और पड़ रही है उसे, 40 की नीड और पड़ रही है, तो हम इसमें थोड़ा तो चेंज हुआ है, ट्रिपल सेंचुरी, ओ माय गॉड, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये 360 थोड़ी ना होना है फिर, ट्रिपल सेंचुरी तो हमारा 300 होता है, और ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने में उसको कितना और चाहिए, 260 जब होगा तब जाके ट्रिपल सेंचुरी हो रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन था, और आप इसको दूसरे पैटर्न से भी करना, देखो क्या आ जाएगा आंसर, 260 माइनस 50, तो आंसर आ जाएगा 210, और x बराबर आ जाएगा हमारा 210/7, तो x बराबर हमारा 7 3 30, तो 30। ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी हो सकता है यार, ये देखो ये वाली कैसे बन सकती है, 7 times करना है नंबर का प्लस 50 करना है, उतना बोला था उसने, बोला ट्रिपल सेंचुरी तो हो गई बट कितने की जरूरत है, प्लस 40 की, ऐसे भी हो सकता है। आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों क्वेश्चन सेम ही आएंगे। देखो 7x इज टू 300 माइनस 90, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 290/7, तो 290 होएगा क्या, 290 माइनस हो रहा है 300 में से, तो कितना बचा 210, तो 7 3 जहाँ भी वही आ रहा है जो वहाँ है, सेम क्वेश्चन था 30। कैसे भी करो आपकी चॉइस है, बाकी आप राइडल थी, आप राइडल समझ के चले, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से करें चाहे इस टाइप से करें। कहने का मतलब कोई नंबर है, नंबर में 7 times हो रहा है, ऐड कर रहा है 40 50, और फिर उसने बोला 300 तो सेंचुरी होने वाली है बट उसको 40 की जरूरत है, 40 की जरूरत है तो 40 और ऐड होगा। अगर हमें ऐसा नहीं मानना है, 7 times ऑफ नंबर कर देना है, ऐड 50 कर देना है, और 300 में हमारी कितने की कमी पड़ रही है, 40 की कमी पड़ रही है, तो 300 कम कर देना है, ट्रिपल सेंचुरी में इतना कम कर देना, तो आंसर दोनों तरफ से सेम ही है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन देखो और बड़ी आसानी से करो इसको। बाकी आज के लिए धन्यवाद।